अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, होप कि आप सब ठीक और मज़े में हो। गाइस, अभी रमज़ान चल रहा है तो सबको मेरी तरफ़ से रमज़ान मुबारक। ठीक है, तो मैंने आवाज़ सुनी अपने लॉफ्ट में, मैं जल्दी ऊपर चला गया तो देखा ये मेरी मादी है। ये मेरे बेस्ट जो ब्रीडर है उनका बच्चा है, जो कि 4 बजे तक इनकी उड़ान है। ठीक है, हर एक बच्चे की, जैसे कि देख सकते हो, इसको मेरे नाम के रिंग लगे हैं और 29 नंबर ब्रीड है मेरी है। एज ये मादी थी तो इसका अंडा फंस गया, तो मैंने जैसे आवाज़ सुनी मैं गया, मैंने कोशिश की इसको हेल्प करने की, लेकिन मैं नहीं निकाल पाया इसको अंडा। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी ये बहुत पेन में थी तो ये सह नहीं पाई। तो इसके भी अंडे हैं अंदर, अब मैं आपको दिखाऊंगा। बहुत अफसोस है, वैसे मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। अब मैं दिखाऊंगा कि मैं इसका जो अंडा है बाहर निकालूंगा, ताकि मैं उस बच्चे को आपको भी दिखाऊं कि कहां से मैंने अंडा निकाला। तो क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कबूतर है, ब्रीडर है जो इसको पाल सकते हैं, ठीक है, या जंगली कबूतरों के नीचे रख सकते हैं। ठीक है गाइस, तो चेक कीजिए, मैं वीडियो दिखाऊंगा नहीं आपको वीडियो में, क्योंकि अगर मैं आपको वीडियो में काट के दिखाऊंगा तो ये वीडियो मेरा बैन हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ अब ये कैसे निकालेंगे आराम से। ठीक है गाइस, मिलते हैं अंडा निकाल के। गाइस, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये अंडा है और ये आप देख सकते हो, ये कॉर्ड है यहाँ पर और नीचे से भी कॉर्ड है। ये इसके अंदर मतलब फर्टाइल हुआ है, जैसे कि इंसानों में ट्यूब्स में बच्चा पैदा होता है, फिर उसको एक्सपेल करना पड़ता है, इसका भी वही प्रोसीजर है। ये अंडा फंसता नहीं है। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन मेरे को इसलिए मैंने करना पड़ा इसका पोस्टमार्टम, ताकि सब दोस्तों को पता लगे। वो हम बोलते हैं कि अंडा फंस गया, जैसे इंसानों में बच्चा ट्यूब्स में पैदा हो, मतलब फर्टाइल होता है, फिर उसको ट्यूब्स से बाहर नहीं निकालते, क्योंकि डॉक्टर अल्ट्रासोनिक प्रोसीजर से वो देख लेते हैं, तो फिर वो उस बच्चे को एक्सपेल करते हैं, क्योंकि उनको पता है मदर की मौत हो सकती है अगर ट्यूब्स में बच्चा बड़ा हो जाएगा। वैसे ये अंडा बड़ा हुआ है इसके ट्यूब में। ठीक है, तो देख सकते हो यहाँ से ये बंद है और यहाँ से बंद है। अब हम बोलेंगे निकलेगा, ये यहाँ से निकलेगा, ये अंतड़ी जैसा लगता है आपको, ठीक है, लेकिन ये नहीं है, ये ट्यूब होते हैं जिसमें से बच्चा। बाकी अब मैं ये अंडा इसमें से भी बाहर निकालता हूँ। देखिए गाइस, ये मैंने काट दिया है, अब ये आराम से निकलेगा ऐसे। ठीक है, तो ये बिल्कुल परफेक्ट अंडा होगा और आई विल मेक श्योर कि इसमें से बच्चा निकले। ठीक है, ये परफेक्ट अंडा है। ठीक है, ये इस मादी का पहला अंडा था, तो इसकी लाइफ तो चली गई, लेकिन मैं इस अंडे को ज़ाया होने नहीं दूंगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मादी थी मेरे लिए। इसके माँ बाप तो हैं, लेकिन ये बच्चा इस साल उड़ने वाला था, तो अनफॉर्चुनेटली किस्मत ख़राब है बहुत ज़्यादा। तो लेकिन ये अंडा जिस नर के साथ मैंने इसको पेयर किया था, वैसे मैंने किया नहीं था, वो खुद हो गई थी पेयर उसके साथ, वो बहुत ही बेहतरीन नर था। तो लेकिन ये अंडा मैं ज़ाया होने नहीं दूंगा। मेरे ब्रीडिंग लॉफ्ट में 2-3 पेयर्स के नीचे अंडे हैं, तो वो तो डालते रहेंगे, लेकिन उनके नीचे मैं ये रखूंगा और इस बच्चे का मैं शो करूंगा। ठीक है, आपको मैं दिखा दूंगा किस कबूतर के नीचे मैं ये रख रहा हूँ। ठीक है, ताकि आप भी इस बच्चे को देख सकें फिर। ठीक है, शो करता हूँ, मैं ऊपर जाता हूँ, किस लॉफ के नीचे रखेंगे, किस कबूतर के नीचे रखेंगे, ये आपको मैं दिखा देता हूँ। ठीक है गाइस, मिलते ऊपर, मेरे लिए बहुत कीमती है। गाइस, हर एक कबूतर को मैंने एक एक कड़ा लगाया है अपने अपने ब्रीड का। मेरी 29 नंबर सबसे बेस्ट मेरी ब्रीड है, बच्चा बचपन में ही दूसरी उड़ान तीसरी उड़ान पे ही 11:30 क्रॉस कर लेते हैं, फिर लास्ट में वो 2 बजे क्रॉस कर ही देते हैं। तो ये मैं इसको बाहर निकालूंगा। ठीक है, इसके बच्चे को मैं ये दे दूंगा ये कड़ा।
ठीक है, इसके बच्चे के लिए होगा। और इसको मैंने स्पेशली एक लगाया था, ये अपना हैंडमेड मैंने बनाया था, ये भी 29 नंबर ही था। इसमें मेरा नाम, मेरा मोबाइल नंबर लिखा होगा। गाइस दुआ करिए, दुआ में याद रखिए, ठीक है। अच्छा नहीं लगता ये ऐसे कबूतर मर गया तो उसको अजाब करना, लेकिन इसके अंदर इम्पोर्टेंट चीज़ थी जो कि ये भी बाहर ही इसकी वंश, इसका जो वंश है आगे रहेगा इससे। मैंने आवाज़ सुनी, कबूतर बहुत ज़्यादा फड़फड़ा रहे थे ऊपर, आई थॉट कि कोई बिल्ली वगैरह ऊपर तो नहीं है, लेकिन ये अंधेरे में अपने आप को एक साइड से दूसरे साइड पटक रही थी, तो उसकी वजह से कबूतर डर गए वो सारे। सो गाइस आई एम बैक इन माय ब्रीडिंग लॉफ्ट, और यहाँ पे इसके नीचे एक बच्चा है, तो ये दो बच्चे अंडा मैं ले लेता हूँ। ये जो मादी है मोती वाला, तो गाइज ये उसी की माँ है, लेकिन इसके नीचे जो अंडा है, एक अंडा है उसमें बच्चा ऑलरेडी है, वो दो तीन दिन के बाद निकल जाएगा, ठीक है। अब ये मादी है मेरी गोल्डन, तो इसने कल ही अंडे दिए, ये हमारा नया अंडा है। इसके नीचे दो अंडे हैं, हम इन अंडों को चेक भी कर सकते हैं, क्योंकि मैंने अभी चेक किया था ये। अब ये वाला अंडा छोटा है इन अंडों से, मगर तो फ्रेंड्स मादी के नीचे अंडा है, देख सकते हो आप, एक अंडा वो मैंने रख दिए, इसके दो अंडे हटा दिए मैंने। ये मैं सुबह ब्रेकफास्ट में खाऊंगा, क्योंकि ये अंडे जो है फ्रेश है, ठीक है, इसने कल ही डाले, तीन दिन तक अंडों का कुछ नहीं होता है, ठीक है। और ये आप कॉर्नर में पेटी याद रखिए, इसी के नीचे हम बच्चा दिखाएंगे इंशाल्लाह आपको 15-16 दिन के बाद, क्योंकि आज गर्मी है, गर्मी के टाइम पे बच्चे जल्दी निकल जाते हैं, 16-17 दिन में ही निकल जाते हैं, ठीक है, 17 दिन से पहले ही निकल जाते हैं, ठीक है। गाइस ये है उसकी माँ, ये हमारा एक बटेर है, थोड़ा शो कराएंगे, ये कमागर नर है। तो गाइस मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, और मैं बहुत सारे वीडियोस बनाने की कोशिश करूँगा, ठीक है गाइस। आई एम रियली सॉरी मैं बना नहीं पाता हूँ, लेकिन अब मैं कोशिश करूँगा, अब मैं कंटिन्यू रहूँ, अब इस मादी का मैं ऑपरेशन कर। सो फ्रेंड्स क्या पता है कि ऊपर वाले ने मेरे को इसीलिए भेजा ताकि मैं आपको दिखा दूँ कि जब ये अंडा फंसता है ये कैसे अंदर फंसा होता है, ठीक है गाइस। तो इस क्या पता, और इस अंडे में से बच्चे को पैदा होना था, तो मैं ऊपर आ गया, ठीक है गाइस। तो मिलते हैं इंशाल्लाह ज़रूर नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।